हेलो गाइस, माय नेम इज़ गोविंद। वेलकम टू द स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग कोर्स। सो हियर आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स, हाउ टू इंपोर्ट मॉड्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ टू इंपोर्ट मॉड्यूल। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक सिंपल मॉड्यूल इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट मैथ एंड एंटर। ओके, इट्स इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। और अगर हमें फंक्शन इम्पोर्ट कराना हो, इस मैथ के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो यहाँ पर अगर हमें एक सिंपल एक ही फंक्शन इम्पोर्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट, सपोज करो हमें स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन कराना है, SQRT एंड एंटर। ओके, और अब लेट सपोज अब हमें इसको यूज़ करना है, हमें स्क्वायर यूज़ करना है, तो सिंपल हम यूज़ करेंगे SQRT, और इसके अंदर हम देंगे हमें किस लेट सपोज हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर 25 एंड एंटर। तो यह हमें 5 मिला। इसी तरह से अगर हमें 36 का स्क्वायर रूट देखना है, तो 6। ठीक है, और हम मल्टीपल फंक्शंस भी इंपोर्ट करा सकते हैं एट वंस। तो यहाँ हम देखते हैं इंपोर्ट मैथ, सॉरी फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट, यह हमने दे दिया कॉस साइन टेंजेंट फंक्शन टेन फंक्शन। ठीक है, और भी दे सकते हैं फ्लोर FLOOR एंड एंटर। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, ये हमारा एन एन एंटर। ठीक है, अगर हमें इस फंक्शन की इसके सारे फंक्शन देखने हो मैथ मॉड्यूल के, तो हम क्या टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, CON कंटेंट इक्वल्स टू, या हम देंगे डायरेक्टरी और उसके अंदर हम दे देंगे मॉड्यूल का नाम मैथ एंड क्लोज एंटर। यहाँ टाइप करके हम देख सकते हैं ये इतने सारे फंक्शंस हैं हमारे मैथ के अंदर, मैथ मॉड्यूल के अंदर। टॉप और नेम पैकेज, कॉस साइन एक्सपोनेंशियल बहुत सारे हैं, स्क्वायर साइन टेंजेंट लॉग। तो हमें जो भी हमें अगर यूज़ करना हो, तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं बेसिक ऑपरेशंस पर। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, 10 प्लस 2, 5 प्लस 2, 5 माइनस 2, मल्टीप्लाई डिवीज़न सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम मैं यहाँ टाइप करूँ 10 प्लस 4 और एंटर कर दिया, तो इट गिव्स 14। 15 माइनस 4, इट गिव्स 11। अगर मल्टीप्लाई करना है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 4, इट गिव्स 60। और अगर हमें एक्सपोनेंशियल निकालना है, इसका एक्सपोनेंट, तो हम कुछ भी दे सकते हैं, 20 डबल स्टार हमें देना होगा एक्सपोनेंशियल के लिए, और मल्टीप्लाई बाई 4 कुछ भी दे सकते हैं। आपके ऊपर है कितने से, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई डबल स्टार दूंगा एंड 4 एंटर, इट्स गिव 10,000 एक्सपोनेंट। और अगर मैं यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 4 देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो क्या देगा, 2.5, बिकॉज बोथ टाइप्स आर इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर 10 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय फ्लोट देता हूँ फ्लोट, और यहाँ पर फोर, इट ऑल्सो गिव्स 2.5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10, यहाँ पर डबल स्लैश देता हूँ और डिवाइडेड बाय 4, तो देखते हैं क्या क्या देता है। इट गिव्स 2, राउंड फिगर में आपको देगा। ठीक है, और 10 डिवाइडेड 1 स्लैश में देंगे तो इट गिव्स 2.5। ठीक है, तो ये हमें फ्लोट में देगा। ओके, तो ये तो हो गए बेसिक ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं बूलियन ऑपरेशंस। तो बूलियन ऑपरेशंस, तो यहाँ मैंने कुछ लगा के रखे हैं, 5 is less than 3, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 less than 3, कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट, तो इट गिव्स ट्रू, और 5 is greater than equal to 3, तो ये भी ट्रू ही है, एंटर करके देख लेते हैं। और 5 not equal to 3, इसको भी एंटर कर लेते हैं, तो ये भी ट्रू है, और 5 equal to 5, तो ये भी ट्रू है। ओके, और यहाँ पर नीचे कुछ एक्सप्रेशंस, 2 expressions और हैं, इट ऑल्सो गिव्स ट्रू, 5 is greater than 3 एंड ऑपरेटर 6 is greater than 3, ये भी ठीक है, एंटर कर लेते हैं, ओके ट्रू है, 5 is greater than 3 और ये और ऑपरेटर है, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है, तो इसमें से कोई भी एक सही होगा तो ये भी ट्रू देगा। ओके, तो ये तो हो गए हमारे बेसिक ऑपरेशंस, और कैसे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस को हम इंपोर्ट करा सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, और कैसे हम यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी में देख सकते हैं कि इस मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शंस हैं अवेलेबल। यहाँ पर हमने दिया था इसमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। So see you in the next tutorial. Oh, thank you guys.